Assalamualaikum everyone, I hope you're learning well. So today we are going to make besan and suji crispy snacks at home. This is very simple and delicious. So let's begin to the video. लेकिन इससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मज़ेदार से बेसन और सूजी के स्नैक्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल ले लिया। उसके बाद जी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया बेसन 1 कप के करीब। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दी है सूजी 1/2 कप। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना सॉल्ट 1 टेबल स्पून, टर्मरिक 1 टेबल स्पून। उसके बाद जी अब हम लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना वाटर। हमने यहाँ पर तकरीबन 400 ml वाटर इसके अंदर ऐड किया और इसका एक पतला सा बैटर बना लेंगे। उसके बाद जी अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। बेसन और सूजी का बैटर तैयार करने के बाद जी अब हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया। इसके अंदर हमने 4 to 5 tablespoons कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 tablespoon ज़ीरा, 1 tablespoon अजवाइन। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 tablespoon और इसको हम लोग अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ऑयल में। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया अनियन। हमने यहाँ पर 1 medium साइज का अनियन लिया। इसको हमने क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसको उसके अंदर ऐड कर देना है। हमने इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है कैप्सिकम। हमने यहाँ पर ग्रीन कैप्सिकम ली है। इसको हमने अच्छी तरह से क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर इसको भी सौते कर लेना है अनियन के साथ। अनियंस और कैप्सिकम्स को अच्छी तरह से सौते करने के बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है बेसन और सूजी का बैटर जो अभी हमने यहाँ पर तैयार करके रखा था। इस पॉइंट पर जी हमने फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे वरना ये जो बैटर हमने इसके अंदर ऐड किया है ये ऐड करते के साथ ही थिक होना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट पर जी अब हमने इस बैटर को लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 6 मिनट तक पका लेना है अच्छी तरीके से ताकि ये बैटर जो है थोड़ा सा थिक हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बैटर जो है थोड़ा सा थिक होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर जी हमने फ्लेम को और ज़्यादा लो कर देना है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है श्रेडेड चिकन। हमने यहाँ पर 1/2 kg के करीब चिकन लिया था। उसके बाद जी हमने इसको अच्छी तरह से बॉयल करके श्रेड कर लिया। उसके बाद हमने इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी के साथ जी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए मैश पोटैटोज। हमने यहाँ पर 2 medium साइज के पोटैटोज लिए थे, इनको अच्छी तरह से बॉयल करके मैश कर लिया। इसी के साथ जी अब हमने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं 4 to 5 ग्रीन चिलीज, ग्रीन फ्रेश धनिया, 2 tablespoons रेड चिली फ्लेक्स और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम लोग। इस पॉइंट पर जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जी इस पॉइंट पर अब हमने इसको 5 से 6 मिनट तक और अच्छी तरह से पका लेना है जब तक ये बैटर जो है पैन को खुद छोड़ नहीं देता। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटर ने जो है पैन को अच्छी तरह से छोड़ दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटर भी जो है कितनी अच्छी तरह से थिक हो चुका है। इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इस बैटर को रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम लोग इसके स्नैक्स तैयार करेंगे। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटर जो है अच्छी तरह से हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। उसके बाद जी अब हमने इस बैटर में से थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है और उसको हमने अच्छी तरह से राउंड कर लेना है। राउंड करने के बाद जी अब हमने इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लिया। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर चीज़ ऐड कर देनी है। आप अपनी पसंदीदा कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। हमने यहाँ पर मोज़रेला चीज़ इसमें ऐड कर दी है और इसको हम लोग अच्छी तरह से बंद कर लेंगे। हमने चीज़ को इसमें ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लेना है ताकि जब हम उसको अच्छी तरह से फ्राई करें तो वो मेल्ट नहीं हो जाए फ़ौरन से और बाहर ना आ जाए। उसके बाद जी अब हमने इसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन जितना भी है वो निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से राउंड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको अच्छी तरह से रोल की शेप दे दी है और ये हमारे स्नैक्स जो हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। उसके बाद जी इस पॉइंट पर अब हमने इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तेल ऐड कर लेना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तेल लगाने के बाद जी अब हमने इसको हाथ से अच्छी तरह से सेट कर लेना है ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो वो इससे उतरे नहीं। इसी तरह से जी हमने ये सारे स्नैक्स तैयार करके रख लेने हैं। सारे स्नैक्स अच्छी तरह से तैयार करने के बाद जी हमने यहाँ पर एक पैन ले लिया। इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। इसको हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। उसके बाद जी अब हमने इसके अंदर बेसन और सूजी के स्नैक्स ऐड कर देने हैं और इसको हमने अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट ब्राउन गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे स्नैक्स जो हैं अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई हो चुके हैं। इन पर एक अच्छा सा लाइट ब्राउन गोल्डन कलर भी आ चुका है और इस पॉइंट पर जी अब हम लोग इनको ऑयल से निकाल के एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और ये देखें जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से बेसन और सूजी के स्नैक्स जो हैं बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। जितने ये दिखने में मज़ेदार लग रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा खाने में मज़ेदार हैं।
आप ही मज़ेदार से बेसन और सूजी के स्नैक्स के सिर्फ स्पेशल इवेंट पे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब जी हम आपको इसको अंदर से तोड़ के दिखाते हैं कि कितने ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं कि ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बने हैं। सो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।